दोस्तों सब तो पहला सारे प्यार भरी सत श्री अकाल स्वागत करते हैं थोड़ा थोड़े अपने यूट्यूब चैनल स्टार डिजिटल पंजाब दे विच। अमेरिका के इमीग्रेशन विभाग ने गैर कानूनी ढंग नाल रह रहे 1100 भारतीयों नूं कर दिता है डिपोर्ट। की है पूरी अपडेट इस तो पहला वीडियो दे विच अगे वरी जिहड़े दोस्त साडे यूट्यूब चैनल ते नवे जुड़े ने चैनल दे सामने लगी सबसक्राइब बटन नूं दबा लैण ते बैल आइकन नाल ते जरूर सैट कर लैण तां जो हर एक वीडियो दी अपडेट उहनां तक साडी सब तो पहलां पहुंच सके। अमरीका के इमीग्रेशन विभाग ने सितंबर महीने दे विच खत्म होए अपने फिस्कल ईयर के गैर कानूनी ढंग ने अमरीका च रह रहे 1100 भारतीयों को चार्टर्ड के कमर्शियल फ्लैटा राही वापस भेजे है। अमरीका के गृह के अंदर रक्षा विभाग की बार्डर एंड इमीग्रेशन पॉलिसी की असिस्टेंट सैकटरी रोज़मरे ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान यह जानकारी जारी दी है। उन्होंने इस गल का खुलासा नहीं किया कि डिपोर्ट किए गए भारतीयों चो ज़्यादातर कि सूबे तो हैं, पर इन्हों के पंजाब इस आस पास के अजे भारतीय शामिल हैं जो मैक्सीको कनेडा के बार्डर गैर कानूनी ढंग पार करके अमरीका गए सन। मरे ने कहा डिपोर्ट किए गए सारे भारतीयों को अमरीका च रहने का कानूनी अधिकार नहीं सी, इसलिए इन्हों वापस भेज दिया गया। दसणयोग है 2 अक्टूबर में अमरीका ने गैर कानूनी ढंग अमरीका च रह रहे भारतीयों ने एक फ्लैट राही वापस भेजा है। हालांकि अजे तक किसी भी बच्चे को गैर कानूनी ढंग अमरीका च रह रहे दोस्त रिपोर्ट नहीं किया गया। अमरीका च गैर कानूनी दाखिले से दर्ज होंगे क्रिमिनल केस। अमरीका के इमीग्रेशन कानून मुताबिक जे तुम गैर कानूनी ढंग अमरीका च दाखिल होंगे हो तो वीजा म्याद खत्म होने तो बाद उत्थे रहिंदे हो तो कानून मुताबिक तुहानू रिपोर्ट किया जा सकता है। गैर कानूनी ढंग अमरीका च दाखिल होने के मामले के अमरीका का कानून क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करने की इजाजत भी दे देता है। इस तो अलावा जे लोगों के अमरीका के 5 साल तक दाखिले की पाबंदी भी ला दी जाती है। मरे ने कहा कि रिपोर्ट किए गए ज्यादातर भारतीय गैर कानूनी ढंग मैक्सीको तो कनेडा का बार्डर पार करके अमरीका गए सन। इन्हों चो किसी को भी अमरीका का रहने का जायज कारण नहीं सी। रिपोर्ट किए गए भारतीयों चो कोई भी शरणार्थी वाली कैटेगरी नहीं सी, पर सरकार के सहयोग नाल रिपोर्ट किए गए भारतीय। एक सवाल के जवाब में मरे ने कहा कि भारतीयों को रिपोर्ट करने की कार्रवाई में भारत सरकार का पूरा सहयोग रहा। भारत के आवाजी मंत्रालय अमरीकी अधिकारी लगातार संपर्क के रहे हैं। भारत के सहयोग नाल ही गैर कानूनी भारतीयों लैके आई फ्लैटों की भारत में लैंडिंग हुई है। उन्होंने कहा अमरीका में गैर कानूनी दाखिले रोकने के मामले भारत सरकार के अधिकारियों ने मिलकर काम किया जा रहा है। भारत मनुखी समगलिंग करने वाले और गैर कानूनी ट्रैवल एजेंटों बारे भी जानकारी साझी कर रहा है। अमरीका के गैर कानूनी ढंग रहने वाले भारतीयों को फ्लैट राही डिपोर्ट करने का पहला मामला नहीं है। इस तो पहले भी अमरीका गैर कानूनी प्रवासियों को डिपोर्ट करने इस तरह के तरीके वरतों करता आया है। इस मामले उसनों हमेशा भारत का सहयोग मिले है। सो ये वड्डी अपडेट अज तुहाडे नाल असीं सांझी कीती है। इसी तरह नित नवी अपडेटां लैण लई चैनल हुणे सबसक्राइब कर लो, वीडियो नूं वध तों वध शेयर कर लिओ। मिलदे हां इक होर नवीं अपडेट दे नाल। दिओ जाजो, धन्नवाद।